प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योगा दिवस शुरू करने के बाद 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में आज झुंझुनू में भी योगा दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के अधिकारी व कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। साथ ही योग गुरु पवन सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पटल पर जो योग दिवस आज के दिन मनाया जाता है वह काफी देशों में प्रचलित है। आज के दिन योग दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत योग करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं और उनका संपूर्ण इलाज योगा से होता है। वहीं योगा करने वाले योगियों द्वारा ये कहना है कि योगा करने से उनको कोई बीमारियों में लाभ मिलता है और हम देश के प्रधानमंत्री व योग गुरु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने योग को विश्व पटल पर लेकर आए, जो हमारे पुरातत्व में भी योग के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसी के तहत कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के मुताबिक झुंझुनू में भी आज आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच टीवी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंघल है। मैं नेचुरोपैथी एंड योगा से बिलोंग करती हूँ और मैं 7-8 वर्षों से इस लाइन में हूँ और योग कर रही हूँ। मुझे भगवान की दया से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे घर में मेरे ससुर जी को, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम्स थी, वो काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो डेली करना ही चाहिए और नियमित योगाभ्यास जरूरी अनिवार्य है। मेरे ससुर जी के हार्ट ब्लॉकेज थी और 30% पंपिंग थी, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके बाद भी उन्होंने 2.5 साल तक जीवन जिया था स्वस्थ होके। किस तरह से, तो प्रधानमंत्री ने ये किया था योगा का, किस तरह देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आज लेवल पर ये योगा किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब योगा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योगा योग के लिए संदेश फैलाया था उसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसके द्वारा ही सभी घर घर में ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि करो योग, रहो निरोग। सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है और आज हम योग के माध्यम से पूरे विश्व को एक नेतृत्व दे रहे हैं, तो यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप योग को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें, क्योंकि योग एक जीवन जीने की कला है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह सुखी रहे, स्वस्थ रहे, बीमारी मुक्त रहे, तो इन तीनों चीजों को अगर वो चाहना चाहता है तो वह योग के पथ पे चले।